नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको बाल तोड़ हो जाता है, इन पांच नुस्खों से आपको चुटकियों में राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं वो कौन से पांच नुस्खे हैं जिससे आपको चुटकियों में राहत मिल सकती है। बाल तोड़ एक ऐसी समस्या है जो फुंसी से फोड़ा बन जाती है और इतनी तकलीफ देती है कि कई बार दर्द असहनीय हो जाता है। शरीर के किसी हिस्से का एक भी बाल जड़ से टूट जाता है तो वहाँ पहले एक गांठ बन जाता है या पहले एक फुंसी होता है जिसमें कि धीरे धीरे पस मवाद भरने लगता है और फिर यह बड़े जख्म में तब्दील हो जाता है। आइए जानते हैं इनसे छुटकारा पाने। बाल तोड़ होना आम है जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। असहनीय दर्द के कारण शरीर में बेचैनी होती रहती है। एलोपैथी में दवाएं खाकर भी कभी कभी राहत नहीं मिलती, लेकिन आपके घर में ही इसके कई ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए चुटकियों में राहत मिल जाती है। आइए जानते हैं इन घरेलू उपाय के बारे में। पहला, हल्दी। हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटी इंफ्लेमेटरी और नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर पाए जाते हैं जो कि चोट और सूजन में काफी आराम देता है। बाल तोड़ की समस्या में इसे लगातार आप दर्द और सूजन की समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरा, नीम। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होता है। यह बाल तोड़ को आपके शरीर से बिना किसी साइड इफेक्ट के दूर कर देता है। इसके लिए मुट्ठी भर नीम की पत्तियों को पीसकर लेप बना लें और इसे लगा लें। नंबर थ्री, मेहंदी। मेहंदी कई तरह की एलर्जी से निजात दिलाता है। इसके ठंडे गुण के कारण यह जलन को शांत कर देती है। अगर आपको बाल तोड़ वाली जगह में ज्यादा जलन हो रही है तो आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी भिगोकर उसका गाढ़ा लेप तैयार करें और लगाएं, जल्द ही राहत मिलेगी। नंबर फोर, प्याज। प्याज में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिसके कारण यह बाल तोड़ के उपचार में काम आता है। इसके लिए प्याज का एक स्लाइस घाव पर रखें और उस पर कपड़ा बांध लें। एक दो घंटे के बाद कपड़े को हटा लें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। नंबर फाइव, पान के पत्ते। बाल तोड़ के इलाज के लिए पान के पत्ते बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इसके लिए पान के पत्ते को गर्म करके उसमें कैस्टर ऑयल लगाकर बाल तोड़ पर रखकर कपड़े से बांध ले, 3 से 4 दिन में ही छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसे लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको ऐसी हेल्थ टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।